अवैध हथियार माफियाओं के विरुद्ध बड़वानी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां देर रात 200 पुलिस कर्मियों ने जिले के 15 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 4 पिस्तल, 58 देसी कट्टे एवं हथियार बनाने की सामग्री जब्त की है। बड़वानी पुलिस ने एक ही रात में 2 बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है एवं महाराष्ट्र से हथियार खरीदने आए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़वानी जिले में पहली बार हथियारों के सौदागर सिकलीगर बलवीर सिंह के विरुद्ध रासुका लगाई गई है। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। देखिए, निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जिले में अलग अलग इंटरस्टेट नाके और इंटरडिस्ट्रिक्ट नाके लगाए हुए थे। इसी दौरान कल इंटरस्टेट नाका जो महाराष्ट्र बॉर्डर पर है, वहां पर एक व्यक्ति को महाराष्ट्र जो कि जलगांव के रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया था, जो 10 फायर आर्म्स लेकर महाराष्ट्र जा रहा था। उससे वर्ला पुलिस के द्वारा जब पूछताछ की गई तो उसने सिकलीगर के बारे में बताया जिससे वो फायर आर्म्स लेकर आया था। उक्त सिकलीगर की जांच में जब पुलिस जुटी तो वो एक कुख्यात आरोपी पाया गया, जिसके विरुद्ध कई अपराध गंभीर अलग अलग राज्यों में है। उक्त सिकलीगर के विरुद्ध रासुका प्रकरण तैयार किया गया और रासुका प्रकरण में जेल वारंट प्राप्त करने के बाद सिकलीगर को गिरफ्तार किया गया, जिससे कुल 25 फायर आर्म्स और बरामद हुए। और सिकलीगर के बताया अनुसार अलग अलग कर कल देर रात 15 स्थानों पर बड़वानी पुलिस के द्वारा दबिश दी गई थी, और इस प्रकार इन दबिशों में कुल 200 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हुए थे, और इन 15 जगहों में से कुल 2 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और रात भर चली इस कार्रवाई में कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और कुल 62 फायर आर्म्स बड़वानी पुलिस ने सीज किए हैं, जिसमें 58 देशी कट्टे हैं और 4 पिस्टल हैं, और इसी के साथ बड़ी मात्रा में हथियारों को बनाने की सामग्री भी जब्त की गई है। जो सिकलीगर जिसने 35 हथियारों की डील की थी महाराष्ट्र के व्यक्ति से, उसके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई भी की गई है और उसे जेल भेजा गया है। उक्त संपूर्ण कार्रवाई में कुल हमारे 200 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे, 2 SDOPs थे और रात भर एडिशनल SP उसका मार्गदर्शन करते रहे थे। इस हेतु थाना वर्ला, थाना पलसू की टीम को पुरस्कृत 10,000 से किया गया और इसी के साथ पार्टी की पुलिस टीम को 5,000 से पुरस्कृत किया गया।